नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपके हाथों और पैरों में इतना पसीना क्यों आता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, प्यार का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, गाजर खाने से क्या वाकई आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। हितेश सूरत के रहने वाले हैं, 30 साल के हैं। हिमांशु पटना के रहने वाले हैं, 22 साल के हैं। और पुनीत दमन एंड दीव के रहने वाले हैं और उम्र 27 साल है। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इनकी हथेलियों और तलवों से बहुत पसीना निकलता है। इन सब का हमें मेल आया सेम परेशानी के साथ। ये दिक्कत तीनों को काफ़ी समय से है और ऐसा नहीं है कि इनको पसीना सिर्फ गर्मी में आता है। ठंड हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, इन तीनों को ये दिक्कत रहती है। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, ये परेशानी काफ़ी आम है, पर कोई नहीं जानता कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे एक वजह है जिसका नाम है हाइपर हिड्रोसिस। हितेश, हिमांशु और पुनीत जानना चाहते हैं कि इस बला से कैसे बचे। तो इलाज तो जानेंगे ही, पर पहले ये समझ लेते हैं कि हाइपर हिड्रोसिस क्या है और क्यों होता है। हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और हिड्रोसिस मतलब पसीना आना। तो बहुत ज्यादा पसीना आने की जो अवस्था होती है उसे हाइपर हिड्रोसिस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि सामान्यता जेनेटिकली हो सकता है ये कि आपके जेन्स ऐसे हों कि या आपकी शरीर की बनावट ऐसी हो जिसके कारण से आपको ज़्यादा पसीना आता हो। किसी के शरीर में जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो बहुत ज़्यादा हों तो भी ये पसीना ज़्यादा आने की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। तो एक तो ये है जिसमें कोई बीमारी के कारण नहीं बल्कि उनका बॉडी का मेकअप ही ऐसा होता है, उनका जेनेटिक्स ही ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा पसीना आता है। दूसरी अवस्था जो होती है जिसमें ज़्यादा पसीना आना एक लक्षण होता है और उसके पीछे कोई दूसरी बीमारी छुपी होती है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन जब बंद होना शुरू होता है यानी जब मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं लेडीज, तो उस समय भी ये ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण आपको पता चल गए, अब जानते हैं कि अगर आपको हाइपर हिड्रोसिस है तो उसका आपकी सेहत पर किस तरीके का असर पड़ सकता है और सबसे जरूरी चीज, इसका इलाज क्या है। ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पसीना किस कारण से आ रहा है। अगर आपका बॉडी का मेकअप ऐसा है, जीन्स ऐसे हैं, या आपका जेनेटिक या फैमिली में भी पहले भी लोगों को आपके घर के माता पिता में या आपकी फैमिली में लोगों को ज़्यादा पसीना आने की दिक्कत रही हो तो ये तो सामान्य बात है। लेकिन अगर ये किसी कारण से हो रहा है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या मेनोपॉज वाला प्रॉब्लम हो, जो भी मैंने अभी आपको बताया, तो ये उनके कारण भी हो सकता है। और उसका कॉम्प्लिकेशन तो वही होगा जो ये एक सिर्फ एक लक्षण है, तो जो जिस बीमारी के कारण हो रहा है उस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वही इसमें होंगे। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपके डॉक्टर आपका चेकअप करके ये देखेंगे कि आपको जो अत्यधिक पसीना आ रहा है वो सामान्यता ही आपकी बॉडी ही इस तरह की है, इस कारण से आ रहा है या किसी बीमारी के कारण से आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताई। तो अगर किसी बीमारी के कारण ये दिक्कत है तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज किया जाएगा और वो बीमारी ठीक होने से आपकी ये पसीना आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ये सामान्यता हो रहा है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत तभी होती है अगर वो आपकी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो। जैसे अगर कोई लिखने वाला बच्चा है तो वो लिख ही नहीं पा रहा, उसका हाथ इतना गीला हो जा रहा है कि पूरा पन्ना गीला हो जा रहा है, वो लिख ही नहीं पा रहा है, या इस वजह से आपको सोशली कहीं जाने में किसी गैदरिंग में एम्बेरसमेंट होता है कि आपका हाथ गीला है तो आप कैसे मिलाएं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब इलाज की ज़रूरत होती है उन लोगों को जिनको सामान्यतः ज़्यादा पसीना आ रहा हो। तो इसके लिए जो शुरुआती कुछ उपाय होते हैं वो ये होते हैं कि नेचुरल फाइबर या नेचुरली तरीके से बने हुए जूते और कपड़े हम पहने, जैसे खादी के, कॉटन के। दूसरा, जो एंटी परस्पिरेंट्स आते हैं कुछ, जिनको लगाने से जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो बंद हो जाती हैं और 12 से 14 घंटे तक वो अपना काम करता है और पसीना आना कम हो जाता है। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो
तो फिर इसका एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें माइक्रोवेव्स के द्वारा पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उनको खत्म कर दिया जाता है, जिससे ये ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी कभी इसमें सर्जरी की भी की जाती है, जैसे किसी को अगर बगल में ज्यादा पसीना आता है तो इसके लिए एक छोटी सर्जरी होती है, वो सर्जरी करके जो कॉस्मेटिक सर्जन करते हैं उससे भी ये जो ग्रंथियां होती हैं पसीने की उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थोड़ा पानी का इंटेक अच्छा रखें जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, खान पान अच्छा रखें, थोड़ा खुली हवा में रहें, हल्के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने। उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं वो आपके काम जरूर आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। प्यार इश्क मोहब्बत ये क्यों होता है? देखिए इसका जवाब तो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए हैं, पर प्यार का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये जरूर पता चल गया है। इसमें आपके हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप किसी की तरफ आकर्षित या फिर अट्रैक्टेड महसूस करते हैं तब आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। कमाल की बात यह है कि यही केमिकल कोकेन या फिर जिसको आप ड्रग्स कहते हैं और निकोटीन के इस्तेमाल के समय भी ब्रेन में बनता है। ये डोपामाइन केमिकल ही है जो निकोटीन या कोकेन की लत लगवा देता है, क्योंकि इस केमिकल के कारण आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है और आपको एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। ठीक कुछ वैसे ही तब भी महसूस होता है जब आपको प्यार हो रहा होता है, इंसान की लत लगने लगती है। इसके पीछे हाथ है डोपामाइन का। यही नहीं, आप किसकी तरफ आकर्षित होते हैं इसमें भी साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। ये स्टडी की क्लाउस नाम के एक रिसर्चर ने, उन्होंने कुछ औरतों को थोड़ी टी शर्ट्स सूंघने के लिए दी। ये आदमियों की टी शर्ट्स थी जो धुली हुई नहीं थी। देखा गया कि औरतों को उन आदमियों का बॉडी ओडर यानी पसीने की जो स्मेल होती है वो पसंद आई जिनका इम्यून सिस्टम उनसे अलग था, यानी इन औरतों से अलग था। तो इम्यून सिस्टम यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। यही पैटर्न चूहों में भी देखा गया। वाह, प्यार से जुड़े ये फैक्ट्स आपको मालूम थे क्या? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। आपने पूरी लाइफ में सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। बात सच है कि गाजर में विटामिन ए होता है, यह आपकी आंखों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के मुताबिक फ्रेश फल और हरी सब्जियां आपकी आंखों के लिए गाजर से ज्यादा बेहतर है, और हरी भी वो जो कि पत्तेदार हों और डार्क ग्रीन कलर की हों, जैसे कि पालक है, पत्ता गोभी है वगैरह। तो गाजर खाइए, पर हरी सब्जियां और फल जरूर खाइए अपनी आंखों की हेल्थ के लिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।